इंतजार की घड़ियां खत्म। साबिक वजीर आजम इमरान खान की वीडियो बिलाखिर लीक हो गई, देखने और सुनने वाले रह गए हैरान। आखिर ये वीडियो किसने कर दी लीक? पार्टी के अंदर सवालात उठ गए। म्यूजिक हो जाए। चेक लेना ये ना होगा, हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। एआर वाई की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है। ना उसकी तस्वीर अच्छी थी, गजब बेइज्जती है। उसका क्या है, उसका वो बड़ा लंबा नहीं था, इतना लंबा कर दिया। I'm sorry, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। अच्छा नहीं मेरी बात तो सुनो, तालियां बजा रहे हो तुम लोग। सिर्फ एक चीज थी, उनके क्वेश्चन वो बड़े वो तकरीर ही कर रहे थे क्वेश्चन में, वो सब सेशन में चले गए थे। वो होना चाहिए था क्रिस्प क्वेश्चन, ताकि वो टाइम छोटे में ज्यादा मटीरियल चला जाता। अच्छा सो शुरू किधर से करना है मुझे तो अभी। वजीर आजम इमरान खान हस्पे मामूल मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए पार्टी जिम्मेदारान की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्ड कराने पहुंचे। इस मौके पर बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग से कबल इमरान खान ने जो गैर रस्मी बातें की, मौके पर मौजूद किसी शख्स ने सब रिकॉर्ड कर दी और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। साबिक वजीर आजम की लीक की गई वीडियो में वो अदाकार शान की जानिब से लिए गए हालिया इंटरव्यू के दौरान लाइटिंग को बदतरीन करार दे रहे हैं, जबकि साथ साथ एआरवाई चैनल की लाइटिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। एआरवाई की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है। ना उसकी तस्वीर अच्छी थी, नहीं लेकिन वो चेक करनी चाहिए था ना, अगर तुम तो थे नहीं। साबिक वजीर आजम और पीटीआई के सरबरा इमरान खान ने इस मौके पर वहाँ मौजूद अपने करीबी अफराद से मुख्तलिफ बातें शेयर की और वीडियो के दौरानिए के हवाले से सवालात भी किए। हाँ बड़ा बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। सो कितनी देर बोला है मैंने? 20 मिनट, 20 मिनट बहुत होता है। इमरान खान के वीडियो पैगाम से कबल की गई गैर रस्मी बातचीत की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये सवालात जेर गर्दिश हैं कि आया ये रिकॉर्डिंग मौके पर मौजूद अफराद में से किसने की है।